नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसमें हम लोग टॉप 6 क्वेश्चन करेंगे जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। ओके, तो इससे आपको पैटर्न पता चल जाएगा दोस्तों कि क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें ताकि आपको आने वाले टाइम में वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ओके, तो गाइस आज के सेशन में हमारा पहला क्वेश्चन बनता है, तो दोस्तों देखिए 8वां क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पर कैसे आएगा? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक एक कॉलम को लेके चलेंगे, फिर दूसरे को करेंगे, फिर तीसरे को करेंगे। ओके, पहले हम लोग पहले कॉलम को सॉल्व करते हैं। जो बड़ी संख्या, ऐसे क्वेश्चन में एक बात ध्यान रखना कि जो बड़ी संख्या होती है उसी को निकालना पड़ता है। ओके, तो दोस्तों देखिए 44 और अगर 21 को ऐड करें, 44 और 21 को ऐड किया तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, मतलब 65 आ गया। ओके, फिर इसको देखिए सॉल्व करके देखते हैं, 66 और 21 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 और ये 8, मतलब 87, मतलब इन दोनों का योग इस संख्या के बराबर है और इसमें इन दोनों का योग इस संख्या के बराबर है। ओके, तो इसमें भी यही करेंगे, 55 प्लस क्वेश्चन मार्क, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 77 के बराबर, और क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 77 माइनस 55। ओके, और घटाने पर कितना आएगा, 7 में से 2 गया 2 और फिर 7 में से 2 गया 2, मतलब 22। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 22। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, यहाँ पे मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हम लोग एक एक रो को लेके चलेंगे। ओके, पंक्ति को लेके चलेंगे, तो सबसे पहले हम लोग ए से डी, फिर डी से एच बनाएंगे। देखिए ए का अल्फा कोड कितना होता है, अल्फाबेट कोड 1 होता है और डी का होता है 4 और एच का होता है 8। देखिए दोस्तों 1 से 4 बनने में कितना ऐड हुआ, प्लस का 3 ऐड हुआ, फिर 4 से 8 बनने में कितना ऐड हुआ, प्लस का 4 ऐड हुआ। ओके, ये कंडीशन इसमें सेटिस्फाइड कर रही है। अब देखिए ऐप का कोड होता है 6, सॉरी ऐप का कोड होता है 6। ओके, आई का कोड होता है 9 और एम का होता है हमारा 13। ओके, तो 6 से हमें 9 बनाने में कितना ऐड हुआ, प्लस का 3 ऐड हुआ। ओके, फिर 9 से 13 बनाने में कितना ऐड हुआ, प्लस का 4 ऐड हुआ, मतलब पहले और दूसरे में क्या क्या हुआ, प्लस का 3 ऐड हुआ, फिर प्लस का 4 ऐड हुआ। यही कंडीशन, यही शर्त हम लोग नीचे वाले पंक्ति में सेटिस्फाइड करवाएंगे। देखिए एन का कोड जो होता है वो होता है 14 और आर का होता है 18, यहाँ से घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 4। अब देखिए 14 से हमें 3 घटाएंगे तभी तो हमें अगला वाला अल्फ़ाबेट मिलेगा, क्योंकि 3 ही तो घटाया होगा। देखिए 11 में 3 ऐड करेंगे तो हमारा 14 मिल जाता है, मतलब ऑब्वियसली आपको पता होगा कि 14 से 3 घटाएंगे तभी तो 11 मिलेगा, तो 11 किसका होता है, के का, तो अल्फ़ाबेट जो आएगा ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा, के। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। ओके, तो एक बात है आपको ध्यान रखनी है, पहले यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, स्टार्ट करने के बाद आप देखिए ए टू जेड, मतलब ए जेड है, फिर बी वाई है, फिर सी एक्स है, फिर डी डब्ल्यू है, तो ये सभी एक दूसरे के विपरीत है, मतलब ए का विपरीत कोड क्या होता है, जेड, बी का विपरीत कोड क्या होता है, बाई, तो ये लाइन बार से विपरीत कोड चलते जा रहे हैं। देखिए ए के बाद जेड आया, फिर बी का विपरीत कोड होगा हमारा वाई, बी के बाद सी आता है, सी का विपरीत कोड होता है एक्स, फिर देखिए डी का डब्लू, ई का वी, एफ का यू होता है और जी का होता है टी, और जी के बाद क्या आता है, एच, एच का विपरीत कोड क्या होता है, एस, मतलब एच और एस हो जाएगा, हाई स्कूल से याद कर सकते हैं आप, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फिर एच के बाद क्या आता है, आई, आई का विपरीत कोड होता है आर। ओके, अगला क्वेश्चन आपका बनता है और यहाँ पे हमें मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हम लोग एक एक कॉलम को लेके चलेंगे, पहले पहला फिर तीसरा सॉल्व करेंगे, पहले पहले को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यह है 7, ऊपर है 4, 7 का मल्टीप्लाई 4 में किए तो हमें 28 तो मिल गया, लेकिन यहाँ देखिए और इसके साथ ए अल्फ़ाबेट कोड आया, क्योंकि ऊपर भी ए है, बी के बाद फिर सी आता है, मतलब ए बी सी, ये पंक्ति, प्रत्येक पंक्ति में
रिपीट हो रहा है ए बी सी। फिर देखिए तीसरे वाली पंक्ति में भी रिपीट हो रहा है, ये है ए, ये है बी और ये है सी। तो फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, 15 का 3 में मल्टीप्लाई किया 45, और 45 के साथ जो अल्फ़ाबेट कोड आ रहा है वो आ रहा है बी। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, तो बचा हुआ क्या है सी। ओके, तो बचा हुआ जो सी है इसको एक किनारे रखते हैं। फिर 8 का 2 में मल्टीप्लाई करते हैं 16, 16 के साथ क्या आएगा सी। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, यहाँ पे मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग 6 से 19 बनाएंगे। अगर 6 का मल्टीप्लाई 3 में करते हैं तो हमारा कितना बन जाता है 18, और 18 में अगर 1 ऐड कर देते हैं तो हमें मिल जाता है 19। अगला फिर इसी प्रकार करते हैं, 19 में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 19 या 57, और 57 में 1 ऐड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 58। फिर देखिए 58 में 3 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 58 × 3 तो ये हो जाएगा 3 8 24 की 2, 24 की 4 हाँ से लगा दो, 3 5 15 और 17 174, और 174 में 1 ऐड कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 175। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज आंसर, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें मिसिंग नंबर सर्किल में ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले ये वाला यहाँ पे देखते हैं, ये 10 है और ये 7 है। 10 में अगर 7 ऐड कर देते हैं तो हमें मिल जाता है 17, यहाँ से हमें 17 मिल गया। अब किनारे वाले पे आते हैं, ये है 15, ये है 2, 15 में अगर 2 जोड़ देते हैं तो भी हमें क्या मिलता है 17। मतलब एक चीज़ हमें कॉमन पता चल गई कि इसमें भी 17 आना चाहिए बीच वाले में। तो इसमें देखिए किनारे पहले वाले में 17 आया, फिर दूसरे वाले में भी 17 आया, मतलब किनारे वाले में 17 आया। तो 9 और 6 कितना होता है, इसको ऐड कर देंगे, 9 और 6 हमारा कितना होता है आपको बता देता हूँ, ये होता है 15। और 15 में कितना ऐड करें कि 17 के बराबर लाना है। तो एक बात तो पता ही चल रही है कि 17 हमें लाना ही लाना है, और योग पूरा 17 का 17 ही होना है। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 6 है, और 9 6 15 होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा 17 बनाने के लिए, 15 में कितना कम है 2, 17 बनाने के लिए 2, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। ओके, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आपको मैंने पहले बताया था कि हमें बड़ी संख्या ही बनानी पड़ेगी, ये बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, फिर ये बड़ी संख्या, आप ऐसे करके भी देख सकते हैं लेकिन नहीं बनेगा। तो हमें मजबूरन फिर हमें एक एक पंक्ति को लेके चलना पड़ेगा, तभी हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो पहली पंक्ति में लेके चलते हैं, देखिए 4 से 8 बनाना है तो कितने का मल्टीप्लाई किया होगा, अगर 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिल जाता है 8, फिर 8 में 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें कितना मिल जाता है 16, अब 16 में कितने का मल्टीप्लाई करें 2 का तो हमें मिल जाता है 32। तो ये कंडीशन ऊपर तो फॉलो कर गई, लेकिन अब बीच वाले में कैसे करेंगे, सबसे पहले लास्ट वाले को सॉल्व करते हैं, लास्ट वाली जो पंक्ति है इसको सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों 6 से 24 बनाना है तो कितने का मल्टीप्लाई हुआ 4 का। ओके, ऊपर हो रहा था 2 का मल्टीप्लाई और नीचे कितने का हो रहा 4 का। अब 24 से 96 बनाना है, कितने का मल्टीप्लाई हुआ 4 का। अब 96 से 384 बनाना है तो कितने का मल्टीप्लाई हुआ 4 का। मतलब एक चीज़ कन्फर्म हो गई, ऊपर 2 का मल्टीप्लाई हुआ फिर नीचे 4 का मल्टीप्लाई हुआ। क्यों, क्योंकि मैंने बीच वाली जो पंक्ति थी वो छोड़ दिया कि उसमें कितने का मल्टीप्लाई हुआ होगा 3 का मल्टीप्लाई, तभी तो 4 का मल्टीप्लाई नीचे हुआ। अब देखिए नीचे बीच वाले को कर लेते हैं, 5 से 15 बनाना है तो कितने का मल्टीप्लाई हुआ 3 का, यहाँ से आप पता चल गया होगा। मतलब पहले 2 का सभी में मल्टीप्लाई हुआ 2 2 2, फिर नीचे हुआ था 4 4 4 का, अब बीच वाले में कितने का होगा 3 का मल्टीप्लाई। 5 में 15 बनाना तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 15 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हमें मिल जाएगा 45। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। अब 45 में अगर 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिल जाता है 135। ओके, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 45। आई होप आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।